हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का इसरो की तरफ से जो ड्राइवर के पोस्ट पे फॉर्म निकल के आया हुआ है, उसका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में सबको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो समझ लेते हैं किस तरह से हम लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ जब आप लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड वाले सेक्शन पे आओगे, तो यहाँ पे आप लोग को देखो साइज बोला गया कि 30 KB से कम होना चाहिए और विड्थ हाइट आप लोग का जो 150 × 200 होना चाहिए। इसको किस तरह से करना, पूरा चीज फुलफिल होगा तभी आप लोग अपलोड होगा। इस तरह से आप लोग को सिग्नेचर देखो 30 KB से कम बोला गया है और 150 × 50 बोला गया है, ठीक है? तो आप लोग को सिंपली किस तरह से करना है मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सिंपली आप जहाँ रखे होंगे सिंपली आपको वहाँ पहुंच जाना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, जैसे कि ये फोटो है, ठीक है? आपको मैं साइज भी पहले बता देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ जाता हूँ प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में हम जब जाएंगे देखो ये 29 KB के करीब है, बट मैं डिटेल में जब जाऊंगा तो देखो डायमेंशन देखूंगा तो 200 × 230 है, जो कि मेरा काम नहीं होगा। तो सिंपली मैं इसको कहाँ ले चल जाऊंगा, देखो जैसा 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 मैं स्टेप बोल रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग को सेम टू सेम प्रोसेस करना, आप लोग का इजिली हो जाएगा, ठीक है? सिंपली आप लोग को यहाँ पे जाना है, आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है इस, तो आपको टाइटली सेलेक्ट मेरा ओपन विथ में जाके आपको सिंपली ओपन कर लेना। कहाँ ओपन कर लेना? पेंट में ओपन कर लेना, ठीक है? पेंट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, देख पा रहे हो आप लोग, रिसाइज एंड स्केच। यदि विंडोज 7 में कर रहे हो तो अलग टाइप से ऑप्शन दिखेगा, बट आप लोग को लिखा हुआ यही नजर आएगा, रिसाइज एंड स्केच। आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा, और जितना बोला गया आप लोगों को पिक्सल कितना बोला गया है देख पा रहे हो आप लोग, कितना 150 × 200, ठीक है? देखो तो आपको जितना बोला गया, देखो यहाँ पे हम फिर से बताते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे आना, देखो रिसाइज एंड स्केच वाला ऑप्शन पे आना है, सिंपल यहाँ पिक्सल वाला ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है 150 जितना बोला गया, ठीक है? ये इसको विड्थ मानना है, इसको हाइट मानना है, ठीक है? सिंपली लिख लेना 150 × 200। लेकिन जब डायरेक्टली आप लिखने जाओगे तो होगा नहीं, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो यहाँ पे एक लॉक वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, सिंपली आपको ये लॉक हटा देना, तभी आप लोग जो लिखोगे वही रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, सिंपली 150 × 200 बोला गया था, सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको सेव का, सिंपली आपको सेव कर लेना है। जैसे सेव करोगे देख पा रहे हो आप लोग का 150 × 200 हो चुका है। साइज हम लोग का 30 KB से कम बोला गया था, जो कि 24 KB हो रहा है। तो ये फोटो मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? सिंपली अब देखो इसी तरह से मैं सिग्नेचर भी कर सकता हूँ। सिग्नेचर का भी पहले साइज समझ लेते हैं हम, कितना है मेरा देख पा, 150 × 50 है, ठीक है? देखो विड्थ बताया गया 150, हाइट बताया गया 50, और आप लोग का KB 30 KB से कम होना चाहिए। सिंपली मैं इसको भी ले चल जाता हूँ। पहला स्टेप कहाँ रहेगा? पेंट पे रहेगा। देखो डायरेक्टली मैं पेंट पे चल जाता हूँ। जैसे पेंट पे चल जाएंगे ओपन करेंगे, यहाँ के इस तरह का आपको साइन टू यहाँ देखने को मिलेगा। आपको साइज जो अभी जो है आप लोग का साइज देखो, सिग्नेचर का साइज अभी 15 KB है और 140 × 60 आप लोग का मतलब ये है, ठीक है? विड्थ इंटू हाइट देखो अभी मुझे कितना करना है, 150 × 50 करना है। सिंपल यहाँ पे जाएंगे रिसाइज एंड स्केच वाले ऑप्शन पे, जो ऑप्शन में क्लिक किए इसका पिक्सल वाला ऑप्शन पे आना है। फिर से आपको ये लॉक हटा देना है। लॉक हटाने के बाद जितना बोला गया, ठीक है? देखो जितना बोला गया 150 × 50 सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके कर देना है, देखो ओके कर देना। देखो मेरा 150 × 50 हो चुका है, 12 KB हो चुका है, देख पा रहे हो आप लोग? सिंपली देख पा रहे हो आप लोग, हो चुका है। अब जो ये मेरा फोटो सिग्नेचर मेरा इजिली अपलोड हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखो रुको, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? देखो ये एन है और इसको कर देते हैं हम एम, ठीक है? देखो अभी मेरा इसरो में था, ठीक है? देखो अभी जो मैंने दोनों साइन किया ये इसरो वाला साइन, ठीक है? अब देखो अभी मैंने वही सेम साइन ले रहे हैं, बट देखो इसका नाम क्या है, एन है, ये एम है। अभी जो मैंने कॉपी किया ये एन एम है, बट अभी जो मैंने साइन कंप्लीट किया, जो विड्थ हाइट सब कंप्लीट किया, ये दोनों किया, ठीक है? अब देखो इसका साइज भी आपको दिखा देते हैं, एन वाला का साइज आपको दिखा देते हैं सिंपली, ठीक है? देखो एन वाला साइज कितना, 29 KB है, और जब विड्थ में जाएंगे देखो 200 × 230 है, जो कि मेरा अपलोड नहीं होगा क्योंकि ये गलत फॉर्मेट है। फिर से आपको सिग्नेचर भी मैं दिखा देता हूँ। सिंपली प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम, यहाँ पे देखो डिटेल वाले सेक्शन में जाएंगे, देखो 140 × 60 है और साइज भी आप लोग देख पा रहे हो अलग अलग है, तो आप लोग देख पा रहे हो। अब सिंपली मैं अपलोड वाले सेक्शन पे जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो चूज फाइल में आप जाता हूँ, ठीक है? चूज फाइल में देखो इस रूम में आते हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे हम लोग, ठीक है? देखो यहाँ पे इसरो आ जाना, ठीक है? देखो ये वाला आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे आपको करना है। अब देखो जो देखो पहला अभी मेरा ये एन और एम मेरा अपलोड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? अपलोड मारते हैं। देखो जब अपलोड कर देखो इनवैलिड फोटो, देखो रिसाइज योर फोटो इतना इतना बता रहा है, तो आप लोग इस तरह से एरर देखने को मिलेगा, एक चीज का ध्यान रखना। अब देखो मैंने जो सिग्नेचर मैंने जो फोटो कर दिया, देखो जो पीपी मैंने कर दिया, अब देखो ये इजिली मेरा अपलोड हो जाएगा। इस तरह सेलेक्ट करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, देखो मेरा इजिली अपलोड हो चुका, कोई दिख रहा है यहाँ किस तरह, कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो इस तरह से मैं सिग्नेचर भी चूज किया है, देखो पहले एम वाला सिग्नेचर अपलोड करके दिखाते हैं आपको। देखो सिंपली देखो इनवैलिड सिग्नेचर यहाँ बट आ चुका है, बट ये अपलोड नहीं हो चुका, देखो देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे हुआ नहीं, देखो इनवैलिड सिग्नेचर। आपको ओके करते देखो यहाँ पे जब आप लोग का देखो रेड कलर का देखने को मिल जाएगा, इनकरेक्ट डायमेंशन इन सिग्नेचर, इस तरह का दिखेगा तो आप लोग अपलोड नहीं हुआ है, एक चीज का ध्यान रखना है। सिंपली आपको चूज फाइल में जाना है, जो साइज जिस तरह से बताया सिंपली इसे कर लेना है। इसके बाद आप लोग इस तरह से देखो अब अपलोड हो चुका, लाल लाल जो लाल वाला दिख रहा था वो मेरा हट चुका है, इजिली हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो फोटो सिग्नेचर।